सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका पूरी दोस्त एंड होस्ट राजा भाई। आ गया हूं एक नए फ्रेश वीडियो के साथ भाई। ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो भी कोलकाता से है या कोलकाता के बाहर से जरूर से आइएगा, ये वाला वीडियो देख के ट्राई कीजिएगा। ये जगह पे भाई बहुत ही सस्ते में यहाँ पे खाना मिलता है, तो आज मैं वो कवर करने आया हूँ, तो जरूर से देखिएगा पूरा वीडियो, आपको मजा आ जाने वाला है। प्रॉपर ऑथेंटिक बंगाली थाली अगर आपको ट्राई करना है तो आइएगा यहाँ पे आके, जरूर से ट्राई करके जाइएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का प्रॉपर जो सेटअप वगैरह क्या है, किस तरीके से यहाँ पे सर्व किया जाता है, कितने लोग यहाँ पे खाते वगैरह, प्राइसेस वगैरह सब कुछ बताऊंगा वीडियो में डिटेल, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, ठीक है। मैं पहले भैया साहब को मिला देता हूँ, क्या है क्या नहीं है पूरा बता देंगे डिटेल में, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे खाना वगैरह क्या मिलता है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ। नमस्ते भैया, कैसे हैं? ठीक है। तो भैया थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह बता दीजिए, क्या है क्या है ये वाला? ये कॉन्सेप्ट है कि 2016 साल में ये लोग शुरुआत किया था। अच्छा, ये ट्रस्ट के अंडर में आता है। अच्छा, ये लोग बंगाली आना मतलब बंगाली फूड को प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो इसका ये छोड़ के भी और कैंटीन है। अच्छा, तो वो कैंटीन में सब्जी भात 25 रुपया में, अंडा भात 35 रुपया, चिकन भात 45 रुपया में मिल रहा है। अच्छा, इतना सस्ते में मिलेगा यहाँ पे? अरे बाप रे। तो ये लड़की लोग जो है ये वाट का ही है, सोनी बोर गोष्ठी होता है। अच्छा, लड़की है ये छोड़ के, अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा भी लड़की है जो जिसका हस्बैंड शादी हुआ है, 2 साल का बेटा है। अच्छा, फिर भी हस्बैंड छोड़ के चला गया। अच्छा, तो ये सब लड़की है, ये सब लड़की लेके कैंटीन किया था 2016 में, अभी 5-6 साल चल रहा है। अच्छा, और ये जो कैंटीन है ये जनवरी महीने में ओपन हुआ है। अच्छा, तो इसलिए ये चल रहा है कि बंगाली आना, जो मतलब कलकत्ता का बंगाली आना, माछ सी मांसो। अच्छा, ये सब अभी आप एक होटल में खाने जाओगे तो कम से कम 300 रुपया लगेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ये लोग ये कंसेप्ट लेके आए, ऐसे तो ये कैंटीन जैसे चल रहा है, इसका सैलरी वैलरी सब हो जा रहा है। अच्छा, ये लोग इसलिए कर रहा है क्योंकि बंगाली आना जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका अभी 2000 आपका उधर में पिक्चर लगा हुआ है, आप जब खाने बैठेंगे देख पाएंगे। ऐसे दो देते हैं, खाना देते हैं, पूजा का टाइम के साथ रहता है, हर महीने हम वो 2000 बच्चे के पास पहुंच। आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू आप लोगों को ये इतना सारा कंट्रीब्यूशन देने के लिए, हमारे इस पूरे इंडिया के अंदर, कोलकाता के अंदर स्पेशली आप लोग बहुत अच्छे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच मेरे तरफ से और मेरे व्यूअर्स के तरफ से आपको। और यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस वगैरह थाली वगैरह का क्या क्या आता है? इधर सब्जी बात है 25 रुपया से शुरुआत होता है। अच्छा, 25-30 चावल का डिफरेंस होता है, एक नॉर्मल जैसा घर में खाते हैं और एक होता है बासमती। अच्छा, तो जो बासमती खाएगा वो 30 रुपया देगा सब्जी बात, और नॉर्मल घर में जो होता है 25 रुपया। अच्छा, ऐसे बीम भात भी 35-40, माछ भात होता है मतलब मछली भात 45-50, और हम लोग जो बंगाली फूड जो बोल रहा है, जो स्पेशल खाने उसमें रहेगा इंडिया गेट राइस। अच्छा, आलू भाजा, अरे बाप रे, दाल सब्जी, पापड़ भाजा, वो मछली का अंडा होता है उसका। अच्छा, एक बोरा होता है। अच्छा, अरे बाप, माछ मांसो अंडा, और लास्ट में रहेगा बंगाली स्पेशल आम रसगुल्ला। हाँ, मैंगो रसगुल्ला। अरे और इसका प्राइस क्या रहता है? 101 रुपया सब मिला, 101 रुपया में 101। हो जाता है कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ, वही हम बोल रहे हैं ये लोग बंगाली आना है आदमी, बंगाली। अच्छा, आना तो ये बंगाली फूड ये लोग सिर्फ ये थाली में कोई कॉस्ट नहीं ले। अच्छा, और बंगाली थाली को ये प्रेजेंट कर रहा है सबके सामने कि ऐसा हो। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये किया जा रहा है। अच्छा, तो ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे ट्राई करता हूँ, आई होप ये अच्छा ही होने वाला है। एकदम, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, ये आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जॉय सतपुड़ी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो भाई, आपने सुन लिया किस तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्या है वगैरह और प्राइजेस वगैरह। मैं फिलहाल अभी फटाफट यहाँ पे ट्राई करता हूँ, और लोग यहाँ पे भाई देख सकते हो कितना बल्क में यहाँ पे लोग बैठे, फिलहाल थोड़ा कम हो गया लेकिन लोग आते रहते हैं यहाँ पे, बैठते रहते हैं, खाते रहते हैं लोग भाई चाव से, और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे लोग को टेस्ट में लगता है। तो फिलहाल मैं पूछ लेता हूँ जो कोई खा रहे हैं, एक बार फीडबैक भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, मेरा तो फीडबैक मैं दूंगा ही, उससे पहले मैं आपके जो कस्टमर वगैरह यहाँ पे खा रहे हैं उनसे मैं एक बार फीडबैक ले लेता हूँ। ठीक है, नमस्ते अंकल। हाँ, क्या नाम है आपका? अमित अधिकारी। तो आप क्या रेगुलर खाते हैं यहाँ पे? कभी कभी खा लेता हूँ। अच्छा, अच्छा क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी लगता है, कम दाम में अच्छा चीज है। अच्छा, टेस्ट में अच्छा लगता है आपको? हाँ, बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, कभी कभार ही आते हैं यहाँ पे खाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका फीडबैक के लिए। सो भाई, फीडबैक भी आपने देख लिया कस्टमर वाला, अभी मैं खाता हूँ लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या वगैरह है, और थाली वगैरह का क्या क्या आइटम मिलने वाला है। मैं लूँगा यहाँ का स्पेशल वाला 101 रुपये में, वो भी भाई भरपूर पेट भर के खाना, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, वो लेके ट्राई करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, प्रॉपर इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे
ये रहने वाला ये राइस, ये कौन सा राइस है? अच्छा 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 अच्छा, ये वाला आता है भाई राइस, ये नॉर्मल राइस है, बासमती चाल राइस वाला रहता है, बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा है। और क्या क्या है थोड़ा दिखा दीजिए। अच्छा ये भी अलग सा राइस आता है। अच्छा और इंडिया गेट राइस है। अच्छा इंडिया गेट राइस, अच्छा स्पेशल थाली में ये वाला आता है भाई, देखो कितना लाजवाब लग रहा है, राइस अच्छे से पका हुआ है, राइस की क्वालिटी देख सकते हो। अच्छा इंडिया गेट वाला यूज किया जाता है। अच्छा और क्या है? दाल है। अच्छा ये कौन सा दाल है? अच्छा मिला के बनाया जाता है। और चिकन है। अच्छा ये चिकन है, आइटम है, अंडा करी है, अंडा करी, बैंगन, ये बैंगन है भाई, बैंगन भाजी, सब्जी है, ये कौन सा सब्जी है? फूलगोभी आलू मिलाकर मिक्स सब्जी। अच्छा ये वेज सब्जी आता है ये वाला। अच्छा ठीक है, ये क्या है? भोला मछली। अच्छा भोला फिश है ये वाला, भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। अच्छा ये भी छोड़ी बाजा है, ये रहता है आपका राइस। अच्छा आलू का रहता है, आलू का चिप्स है वहाँ पे 101 में। अच्छा 101 में वो भी रहता है। अरे भाई साहब बहुत सारे यहाँ पे चीज रहने वाला है। और क्या आता है यहाँ पे फिलहाल? चटनी वगैरह है क्या? नहीं चटनी छोड़ के मिठाई। अच्छा है, मिठाई। अरे बाप रे, कच्चा मैंगो का है क्या? हाँ कच्चा मैंगो। भाई देखो बहुत ही यूनिक सा है, कच्चा मैंगो का, मैं फिलहाल इसको लूंगा और ट्राई करूंगा। भाई यहाँ पे एक पॉइंट, अच्छा पापड़ भी है, ये भी आता है भाई। देखो क्वालिटी, देखो भाई क्वालिटी बहुत बढ़िया रहने वाला है। और देखो सर्व किया जाता है, ये कौन सा थाली लग रहा है भैया? अभी सब्जी भात लग रहा है 25 रुपये। 25 रुपये में भाई? 25 रुपये में देखो दाल सब्जी भाजी नींबू सब कुछ आ रहा है भाई। नो डाउट यहाँ पे जो खाने का क्वालिटी रहने वाला है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, और रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। सबसे बड़ा बात तो वही रहता है, इतने कम प्राइस में इतना कुछ यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। फिलहाल मैं लेता हूँ, बहुत बार बोल दिया, लेता हूँ फिलहाल मैं लेता हूँ और ट्राई करता हूँ पूरा इनका जो प्रॉपर थाली आपको दिखाता हूँ। ठीक है देखो मेरा थाली आ गया भाई, थाली देखो भाई कितना बड़ा सा यहाँ पे थाली है, और क्वांटिटी देखो भाई, ये है आपका जो है वेज करी है, इसमें आएगा आपका गोभी और आलू का सब्जी, ये है भाई अंडा, देखो भाई कितना बढ़िया तरीके से रेडी किया गया, ये अंडा करी है, और यहाँ पे भाई ये है, ये चिकन है, देखो चिकन देखो भाई कितना पूरा कटोरा भर के यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप 101 का लेते हैं। यहाँ पे दाल है, दाल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है एकदम जो पानी जैसा होता है वैसा नहीं है, पूरा घर जैसा बनाया गया, बहुत ही बढ़िया है। और ये भाई मछली, ये मछली देखो भाई कितना बढ़िया मछली है, ग्रेवी वगैरह अच्छे से मैं पका हुआ है, इसके ऊपर देखो सोशे का जो रहता है ना सरसों उसका ये दाने रहता है ऊपर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लग रहा है ये देखने में। और यहाँ पे देखो ये रहता है भाई फिश का जो अंडा रहता है उसका यहाँ पे चॉप बनाया जाता है, वो बहुत ही बढ़िया रहता है पूरा। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई ये इसको मैंने तोड़ा, और देखो भाई इसके अंदर देखो पूरा जो अंडा रहता है फिश का अंडा वो है यहाँ पे। यहाँ पे रहता है आलू भजा, या इसको बोल सकते हैं आपको आलू का झुड़ी रहता है वो रहता है यहाँ पे, झुड़ी भजा आलू ये रहता है यहाँ पे। और ये यहाँ पे छोटा सा एक पापड़ दिया जाता है, बहुत ही बढ़िया है। और ये बैंगन दिया जाता है, बैंगन भाजी देखो, और यहाँ पे नींबू के साथ, और ये राइस जो है बासमती राइस यहाँ पे सर्व किया जाता है। राइस का क्वालिटी देखो यार कितना बढ़िया सा राइस का क्वालिटी देता है। और भाई ये पूरा जो आता है 101 रुपये का, सोचो भाई 101 रुपये का पूरा ये थाली है, बहुत ही रीज़नेबल है क्योंकि ये यहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे थाली है यहाँ पे सर्व करते हैं 101 रुपये में, भाई ये वर्थ इट है। फिलहाल मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ, ट्राई करके आपको बताता हूँ कैसा है यहाँ का खाना क्या वगैरह। ठीक है सो भाई जो इनका जो खाने का जो इतना क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो भाई लाजवाब है, 101 रुपये में इतना ज़्यादा क्वांटिटी है आपको पूरे कोलकाता में और कहीं भी नहीं मिलने वाला है, बस आपको यही मिलेगा। पर इसका जो आपको नाम मैं बता देता हूँ, इसका जो प्रॉपर नाम है, इसका नाम है सुलभ कैंटीन, बहुत ही बढ़िया जैसा नाम है, सुलभ कैंटीन मतलब सस्ते में कैंटीन का खाना, बहुत ही बढ़िया वैसे स्मेल आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कल मैं ट्राई करता हूँ, पहले मैं भाई थोड़ा सा जो है दाल से इसको ट्राई करता हूँ, दाल से ट्राई करके देखता हूँ कैसा लगता है। ये भाई ये इनका दाल है, थोड़ा दाल ले लिया मैं यहाँ पे, इसके साथ ट्राई करता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। ये देखो भाई यहाँ पे तीन चार दाल, यहाँ पे दो तीन दाल यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे बनाया जाता है, और ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया है। राइस देख सकते हो कितने खिले खिले राइस है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल मैं जो है आलू भाजी के साथ ट्राई करके देखता हूँ। ये नींबू भाई, नींबू निचोड़ के एकदम बढ़िया सा इसके साथ खाता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया लगे। बहुत टेस्टी भाई, खाने का क्वालिटी बहुत ही अच्छा। अच्छा ये राइस का अनलिमिटेड राइस है ये वाला राइस, ये राइस के लिए पैसे देना पड़ेगा।
प्राइस जो है खत्म हो जाएगा तो दोबारा से रेट कर सकते हैं। हाँ पर पैसा नहीं लगता, पैसा लगता है। कितना लगता है प्लेट? ₹7 बस भाई। देखो ₹7 में आपको दोबारा से ये बासमती राइस मिल रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया है भाई। 101 में ये मिल रहा है भाई, ₹7 में भाई आपको क्या नहीं मिल सकता भाई, आपको पेट भर के यहाँ पे खा सकते, इतना बढ़िया है भाई। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, आलू भाई के साथ बहुत ही बढ़िया है, बहुत टेस्टी भाई ये भाई। इनका जो है भाई मजेदार फिश का जो अंडा रहता है उसका पकौड़ा है, जो खा के देखता हूँ। बहुत ही बढ़िया भाई, गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा है। अभी जो है मैं थोड़ा चिकन के साथ ट्राई करके देखता हूँ भाई कैसा लगता है चिकन का। देखो भाई बड़ा सा यहाँ पे एक पीस दिया जाता है, ट्राई करता हूँ भाई इसके साथ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये मैंने चिकन का पीस लिया, थोड़ा जो है मैं ये चिकन का ग्रेवी भी ले लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ग्रेवी वगैरह ट्राई करता हूँ। ये जो फिश है भाई ये भोला फिश आ जाता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, भोला फिश है तो इसको ट्राई करता हूँ एक बार। फिश भी देखो भाई बहुत सॉफ्ट है, वाह भाई वाह भाई, फिश देखो भाई इतना लाजवाब और सॉफ्ट है, ट्राई करता हूँ भाई इसको। भाई चिकन खाओ या ना खाओ फिश जरूर से ट्राई करना भाई, फिश खा के मज़ा आ गया भाई, फिश बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे, फिश का टेस्ट अलग है भाई, एकदम बंगाली घर का जो खाना रहता है उस तरीके से बनाया गया, बहुत ही अच्छा भाई। जरूर से आइए भाई, ट्राई कीजिए यहाँ पे आके, मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड है, जरूर से आइएगा ट्राई कीजिएगा भाई, टेस्ट में लाजवाब है भाई। ग्रेवी फिश का सबका यूनिक टेस्ट है, कुछ एक सा नहीं है, सब अलग अलग है, तो ज़रूर से आइएगा यहाँ पे आके, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। और हाँ भाई ये वाला रसगुल्ला है, मैंगो रसगुल्ला है, ये भी थोड़ा ट्राई करके आपको दिखाई देता हूँ। ये भाई मैंगो रसगुल्ला है, इसको थोड़ा ट्राई करता हूँ भाई, यूनिक टेस्ट है भाई। रसगुल्ला आपने ऐसा कोई खाया नहीं होगा पहले, कच्चा मैंगो रहता है ना, कच्चा मैंगो का फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई। फिनिश करने में इसको टाइम लगेगा, फटाफट मैं इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो भाई मेरा तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, अभी जाने वाला हूँ दूसरे लोकेशन पे, उससे पहले भैया थैंक यू सो मच इतना अच्छा खिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। कोई एक बार प्रॉपर एड्रेस वगैरह और नाम वगैरह बता दीजिए। प्रॉपर और टाइमिंग क्या रहने वाला है? सकाल 8 থেকে রাত 8 সকাল 8টা থেকে রাত 8টা অবধি খোলা থাকে। স্পেশাল থালি থাকে না, আবার সন্ধ্যাবেলা পরোটা আর এক পিস মাংস। আচ্ছা পরোটা মাংস হয়ে যায় তাহলে, আর না হলে স্পেশাল থালিটা কত অবধি পাবে আসলে? 4টা 5টা অবধি থাকে, বাট পসিবিলিটি খুব কম থাকার, আমি সরি বাংলা মে আ গিয়া, পসিবিলিটি বহুত কম রহতা ইয়াহ পে মিলনে কা ও ওয়ালা স্পেশাল থালি ভাই। 101 রুপে মে ইতনা সারা আগর খানা মিলেগা ও ভি ঘর জেসা হাইজিনিক ওয়ালা, তো ভাই হর কোই খানে ওয়ালা হ্যায়, তো এসে রহনে ওয়ালা ইয়াহ পে। তো ফিলহাল মে আবি নিকলতা হু ইয়াহ পে, প্রপার এড্রেস বতা দিয়ে মে ডিসক্রিপশন লিংক ডাল দুঙ্গা, যাকে চেক আউট কর লিজিয়েগা। উসসে পহলে বাই বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।